महाराज सीएम एकनाथ शिंदे पर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बड़ी कार्रवाई की है। उद्धव ने शिंदे को पार्टी नेता पद से हटा दिया है। खुद को शिवसेना का हिस्सा बताने वाले महाराज सीएम एकनाथ शिंदे पर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बड़ी कार्रवाई की है। उद्धव ने शिंदे को पार्टी नेता पद से हटा दिया है। वहीं ठाकरे ने बयान जारी करते हुए कहा है कि शिंदे अब शिवसेना के नेता नहीं है, उन पर पार्टी से बगावत करने का आरोप है। बता दें कि कल ही महाराज की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद संभाला। शिवसेना के दावों को लेकर गर्मा गर्म लड़ाई में उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे को पार्टी संगठन में शिवसेना नेता के पद से हटा दिया है। पार्टी द्वारा जारी एक पत्र में शिवसेना सुप्रीमो ठाकरे ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ दी है। उद्धव ठाकरे द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख के रूप में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आपको पार्टी संगठन में शिवसेना नेता के पद से हटाता हूं। जबकि इससे उलट शिंदे ने दावा किया है कि वह शिवसेना के नेता हैं और ठाकरे खेमा अल्पसंख्यक है। उन्होंने कभी भी खुद को पक्ष प्रमुख नहीं कहा। उद्धव ठाकरे तकनीकी रूप से अभी भी पार्टी प्रमुख हैं। शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार 4 जुलाई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का भी सामना करेगी। इससे पहले बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। आवश्यकता पड़ने पर इस पद के लिए 3 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। 3 जुलाई से ही 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस के नाना पटोले के पिछले साल इस फरवरी में इस्तीफा देने के बाद से ये पद खाली था। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय मुंबई में ओबीसी आरक्षणों को लेकर के एक बैठक की। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर और डॉक्टर संजय कुटे भी इस दौरान उपस्थित रहे। महाराष्ट्र शिवसेना विधायक दीपक केसकर ने कहा है कि उद्धव ठाकरे बड़े कद के नेता है और हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम उनसे सही समय पर बात करेंगे, सभी गलत फहमियों को सुलझा लिया जाएगा। इसके इतर राकंपा प्रमुख शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को फोन पर बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि आप सतारा के हैं, इसलिए सतारा के लिए मैं आपसे बहुत सी चीजों की अपेक्षा करता हूं। अभी ईडी का शासन है, लेकिन यहां ईडी का मतलब एकनाथ शिंदे के लिए ई और देवेंद्र फडणवीस के लिए डी है। शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से मुक्त करने के साथ पार्टी से भी निकाल दिया गया है। उद्धव ने शिंदे के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को कार्रवाई की वजह बताया है। शिंदे ने बीते दिन ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके साथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उद्धव ठाकरे के इस फैसले को शिंदे के उन दावों पर हमला बताया जा रहा है जिसके जरिए वे शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विरासत पर दावा कर रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।